हाथी गदा लड़ पड़े आपस में और वो हाथी तो नुका आसमान लीला हो जाए और गदा नुका आसमान लाल हो जाए। वो दोनों राजा दो रचले गए के जी फैसला करो के फैसला करा। बोलिया जी यो हाथी तो नुका आसमान लीला हो है और यो गदा नुका आसमान लाल हो है। तो राजा नु बोलिया भाई एक काम करो 10 कोड़े हाथी का मारो। हाथी नु बोलिया जी मेरे क्यों मारो जिन मैं बताने लग रहा आसमान लीला हो से यो लाल के हर कोड़े मेरे लग गए। राजा नु बोलिया रे बावड़ी भूज जितन नु बेरा यो गदा है फिर भी तू इसका गेल बहस ला रहा कोड़े किसका लग गए। वो एक बुढ़िया गुजर गई। सुनिए बात सुनन की बात है डटिए बा बोलू रहे एक बात। बुढ़िया गुजर गई और वो जिसकी माँ थी वो रोन लाग रहा कि माँ गुजर गई तो भाई रोना तो पड़े ही भाई। पड़ोसी बोले बोले भाई कोई बात नहीं ये तो भाई भगवान का आशीर्वाद है और भाई नुहा धुआ के तैयार कर दी। बोले भाई लिया तेरा ईंधन लिया भाई कड़ा है। बोले ईंधन तो कौन है। बोले रे ईंधन कौन है तो या भेके भी क्यों धर दी। तो भाई थोड़ा हार रुक क्या करो इबियो दादा सुमित साक रोड है भाई मंगल ग्रह है परंत राम रही मर कहता है यो। हाँ एक दिन नेट पे भी आ रहा था धन सतगुरु तेरा ही आसरा सरसाम पी रो तक मैं सांस रहा। ये हमारे समाज में के है बस के बारे में पूछेंगे अड्डे बजा के। एक भाई गया बस के बारे में पूछ रहा था दुकान पे जाके बोला भाई साहब राम राम। बोला राम राम भाई। बोला दादरी आली आली। बोला उसका तो छोरा भी हो लिया। मास्टर जी ने पूछा सुनिए भाई बोला बच्चों 15 फलों के नाम बताओ। एक खड़ा हो अड्डा फल रसा जी मैं बताऊंगा। बोला हाँ भाई बता। बोला जी सेब। बोला हाँ भाई। बोला जी संतरा। हाँ भाई। बोला जी आम। बोले हाँ भाई। और जी एक दर्जन केले। ओह नो कसुत्ता जड्डा पड़े आखर हवा चल रहे जड्डे का मौसम हवा चल रहे दूरी और पतला था मास्टर कती है तो पतला मास्टर है 39 किलो वजन मास्टर में समझान लाग रहा क्लास लाग रही बोर्ड पे समझा मास्टर एक ही दो जमा बे की दो। एक बैठे डेस्क पे बोला यार जड्डा गणास है हवा चल रहा मास्टर तो पड़ेगा। दूसरा कहे बोला कोने पड़े चाक पकड़ रहा है। ये गायक एक दिन मने पीटन जयंती भी मनावेंगे कदे न कदे। हाँ